लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वे पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म ऑफ टू पे पावर एन फाइव पे पावर एम, वेयर एन एंड एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब एन एंड एम की वैल्यू जीरो हो सकती है या ग्रेटर देन जीरो हो सकती है, यानी कि एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इंटीजर, मतलब वन टू थ्री फोर फाइव जीरो कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं, जीरो पॉइंट डेसिमल नंबर ये हो गया 0.315। अब इसको इसमें चेंज करते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में, रेशनल नंबर में, तो इसे लिख सकते हैं 315 डिवाइड बाय 1000। इसे डिवाइड कर देते हैं 5 से, 5 सिक्स जा 30, 15, 5 थ्री जा 15, 5 टू जा 10, यानी कि ये हो गया 63 डिवाइड बाय 200। अब इसको लिख सकते हैं 63 डिवाइड बाय, ये एक 2 हो गया, इस जीरो में एक 2 आएगा एक 5 आएगा, इस जीरो में एक 2 आएगा एक 5 आएगा, क्योंकि 2 इंटू 5 10, तो ये हो गया 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2, यानी कि 2 पे पावर n 5 पे पावर m के फॉर्म में आ गया। ऐसा कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन ले लें जो टर्मिनेट्स करे तो ये इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कोई एक नंबर है a, और इसके डिनोमिनेटर में या तो 2 पे पावर n आ जाए और a बाई 5 पे पावर m आ जाए, या दोनों आ जाए a बाई 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m, बस काम खत्म। थ्योरम नंबर 1.6, इसमें क्या बोला गया है, लेट x इक्वल टू पी वाई क्यू बी ए रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 पे पावर n 5 पे पावर m, वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। मतलब कि एक कोई रेशनल नंबर है पी वाई क्यू के फॉर्म में, जिसके डिनोमिनेटर में 2 पे पावर m 5 पे पावर m के फॉर्म में है डिनोमिनेटर उसका, और उन दोनों p और q का कॉमन फैक्टर 1 है, मतलब p एंड q को प्राइम नंबर है, ठीक है। मतलब कि एक फ्रैक्शन लेते हैं p वाई q के फॉर्म में, मान लो ये ले लिए 21/100। अब इस 21/100 को चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं, तो इससे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, मतलब जिससे डिवाइड होगा डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लेंगे सच दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, ठीक है। इसे लिख सकते हैं 21/100 को लिख सकते हैं, इस 10 में आ गया एक 2 एक 5 प्राइम फैक्टर, इस 10 में आ गया एक 2 एक 5, तो ये आ गया 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2, यानी कि इसका डिनोमिनेटर 2 पे पावर n एंड 5 पे पावर m के फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और 21 को अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 0.21। अब चेक करते हैं एक और, मान लेते हैं ये एक नंबर है 25 डिवाइड बाय 115। अब इसे चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं, सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 पे पावर 5, 5 जा 25 है, 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15, यानी कि ये आ गया 5/23। अब इस 23 में ना ही 2 पे पावर m है ना ही 5 पे पावर n है, यानी कि इस
टू ही ना है ना ही फाइव है, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉट टर्मिनेटिंग। अभी और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो अब इसे चेक करना है 35/50 टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से कैंसिल होगा, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, यानी कि ये आ गया 7/10। अब इस 10 को लिख सकते हैं 7/2 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 1, यानी कि इसके डिनोमिनेटर का फॉर्म 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग हो गया। अब चेक करते हैं, मान लो 77/210 है, इसे पहले डिवाइड कर लेंगे, क्या ये किसी से डिवाइड होगा, पहले ये चेक करेंगे। 77 ये तो 7 से होगा या तो 11 से होगा, क्या ये 7 से होगा, हो जाएगा। 7 1 जा 7 7 1 जा 7 7 3 जा 21, यानी कि ये आ गया 11/30। अब 11/30 को लिख सकते हैं 11/3 × 2 × 5, यहाँ पे 3 3 पे पावर 1 है, 5 पे पावर 1 है, बट यहाँ पे 3 भी है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अब एक और चेक करते हैं, 64/455, यानी 64/455, ये 5 से डिवाइड होगा बट ये होगा ही नहीं, तो इसे लिख सकते हैं 64/455 का फैक्टर। इसे पहले फैक्टर निकालते हैं, 455 का फैक्टर कितना होगा, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 9 जा 45, 5 1 जा 1, अब ये किससे होगा, 13 से, 13 7 जा हो जाएगा, 13 7 जा 91। इसे लिख सकते हैं 5 × 13 × 7, इसमें 7 आ गया 13 आ गया, इसलिए ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इसी तरह बाकी सब चेक कर सकते हैं, कौन सा टर्मिनेटिंग होगा कौन सा नहीं होगा।